भारतीय सेना द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट मुरगा सोपोर में उपलोना राष्ट्रीय राइफल बटालियन द्वारा मुख्यालय टेनिस सेक्टर राष्ट्रीय राइफल के तत्वाधान में 15 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2021 तक सोपोर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का विषय ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है। उपलोना राष्ट्रीय राइफल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, क्षेत्र के युवा समिति के सदस्य, क्षेत्र के खेल समिति के सदस्य और आसपास के गाँव के सरपंचों ने अपने सम्मानित उपस्थिति से कार्यक्रम का सम्मान किया। आज जो इंडियन आर्मी ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये इसका मेन मकसद है कि कश्मीरी यूथ को, कश्मीरी जो नौजवान पीढ़ी है, इसको नशे से दूर लेकर जाना और उनकी जो एनर्जी है उसको ठीक डायरेक्शन में चैनलाइज करना। हम देख रहे हैं कि कश्मीरी यूथ आजकल, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रहे हैं, घर पे ही रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो इसलिए उनको करने के लिए फ्रूटफुल काम नहीं है। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं, जो कि यहाँ का सबसे मनपसंद गेम है और बढ़ चढ़ के सभी टीमों ने उसमें हिस्सा लिया। निजामिया एजुकेशन ग्रुप ने SKICC श्रीनगर में छात्रों के स्कोर के लिए एक भव्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम को चिन्हित किया। आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा निजामिया एजुकेशन ग्रुप के प्रबंध निदेशक और संस्थापक मकसूद अहमद ने नगर सभा को सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि निजामिया एजुकेशन ग्रुप देश के कमजोर और गरीब छात्रों के लिए उम्मीद है। बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने मंगलवार को कहा कि जिले में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 65% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और शेष आबादी से जल्द टीकाकरण कराने का आग्रह किया। DC बांदीपुरा ने जिले में कोविड की स्थिति के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिले के हर नुक्कड़ पर टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है, जहां हर पात्र व्यक्ति का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए टीमें घर जा रही हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें, वो एक अच्छी सजेशन DC साहब ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। चालान भी हमें करने पड़ रहे हैं मजबूरी में, ताकि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। अगर वो खुद फॉलो करेंगे तो हमें चालान की भी ज़रूरत नहीं। यूथ क्लब के तत्वाधान में एप्पल नोशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा मगम स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक प्लेलेट का आयोजन किया गया। प्लेलेट का उद्देश्य लोकतंत्र के पहलुओं पर बच्चों के बीच सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और दुनिया के सबसे जीवंत और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देश की विशिष्ट पहचान की पुष्टि करना था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समावेशिता और समानता दुनिया भर में लोकतांत्रिक सरकारों की बहुत ही इमारत है। तो आप भी मुझे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करेगी उसे खोल दी। मैम क्या किया? यू शुड नॉट ब्रेक इन मैम। इसको क्या करना है, सिंपल लेना है, ऐसे हाथ घुमाना है, जब मैं इसको खोलता हूँ तो इस तरह से ज्वाइन हो जाता है और इस तरह से फैलिंग करना है। प्लीज नाउ डोंट ब्रेक इट सेकेंड टाइम, आई एम अ वेरी पुअर मैजी। मम्मी क्या कर दिया आपने? उत्तरी कश्मीर के अलूसा गांव के लोग सामाजिक अपराधों से मुक्त होने के अलावा नशा मुक्ति समाज बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस की सराहना करते हैं। स्थानीय लोगों से बात करते हुए एक स्थानीय ने कहा कि हम SSP बांदीपोरा, DVI SP बांदीपोरा और पुलिस पोस्ट अलूसा और विशेष रूप से DO अलूसा SI शकील अहमद के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारे समाज को नशा मुक्त और अन्य सामाजिक अपराधों से मुक्त करना संभव बना दिया है। सही रास्ते पर चल रहा है और अब हमारा समाज नशा मुक्त और अन्य सामाजिक अपराधों से मुक्त है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SSP साहब का, जो अच्छे हमारे चौकी अफसर जो है, बहुत अच्छे लोगों से बिलीव करते हैं। पिछली बार यहाँ फ्लड आया, वहाँ भी खड़े रहे, अभी यहाँ जाना है क्यूनसा में जा रहे हैं, कहीं भी गरीब आदमी उनका हेल्प कर रहे हैं। ये मैं पुलिस का बहुत शुक्रिया करता हूँ, खास करके SSP साहब का, जो अच्छा बंदा यहाँ पर सेलेक्ट किया है। पर हम SSP साहब का शुक्रगुजार हैं कि अपॉइंट किया है शकील साहब को यहाँ। जब से यहाँ अपॉइंट हुए हैं काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, यूथ सीधा रास्ते पर आ रहे हैं और काफ़ी लकड़ियों की भी रिकवरी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। अब ये जो स्मगलर हैं अब बहुत कम हो गए हैं, स्मगलिंग हो गई है कम, ड्रग्स कम हो गया, यूथ जो हमारा नौजवान है वो इस चीज़ से अब दूर भागे जा रहा है, तो इससे काफ़ी हालात हमारे सुधर रहे हैं। अनंतनाग जिले के बगंदर बिजबेहरा क्षेत्र के लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से SDM कार्यालय बिजबेहरा के सामने परिवहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। 2019 में सरकार पहले ही एक आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि हम वहां SDM क्वार्टर बनाएंगे।
अब लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले को देखें और इस जमीन को केवल पार्किंग के लिए उपलब्ध कराएं। जी ये तहसील रोड बागंदर बिजवारा इसको कहा जाता है जी। यहाँ अभी SDM सिर्फ SDM ऑफिस और तहसील ऑफिस चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी भीड़ है। ये गाड़ियाँ हमारे घरों तक पहुँच जाती हैं, घरों के दरवाजे तक पहुँच जाती हैं, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और हम सोचते हैं कि जब यहाँ मिनी सेक्रेट कायम हो जाएगा तो इन लोग हर एक मुलाजिम के पास अपनी गाड़ी होती है, और यहाँ 9 दफ्तर होंगे, 9 अगर 10-10 ही गाड़ियाँ वो 90 गाड़ियाँ हो गई। 90 गाड़ियों के अलावा जो यहाँ विजिटर्स होंगे तो उनकी गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, और जो बाकी लोग हैं दरवाजे बंद रहते हैं कि आप आधे एक घंटे बाद आ जाए, जो लोग यहाँ आ जाएंगे वो बैठेंगे कहाँ। हमारा ये मुद्दा वो मकसद है, हम यहाँ बिल्डिंग किसी भी सूरत में बनने नहीं देंगे, हम यहीं बैठ कर धरना लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी हमें जरूरत, हमारे घरों में अच्छी तरह है, हम रह सकते हैं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए जो इस SDM ऑफिस में आएंगे उन लोगों की भलाई के लिए हम कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जो इलाके बिजवारा जो इस मिनी सेक्रेट से वाबस्ता लोग हैं उनकी भलाई के लिए हम ये कदम आज ही उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट आज काम करती है लेकिन सोचती 2 साल बाद है। लेकिन हम आज ही सोचेंगे, यहाँ बिल्डिंग बनने नहीं देंगे, यहाँ पार्किंग होगी और वेटिंग यहाँ बना वेटिंग के लिए कोई इंतजाम होगा, बस हमारा यही मुद्दा मकसद है। आज शासकीय HSS सेरी ख्वाजा में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, शतरंज, बैडमिंटन व कैरम अंडर 14-17 वर्ष के बालक बालिका वर्ग में जोन सुरनकोट के इंटर स्कूल ट्रायल सह चयन का 4th दिन शुरू हुआ, जहां पे जनाब अब्दुल सबूर कादरी प्रिंसिपल HSS सेरी ख्वाजा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इंटर स्कूल टूर्नामेंट ट्रायल कम सिलेक्शन का हमारा आज 4th दिन था। इससे पहले ये जो हमने डायरेक्टर स्कूल यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जम्मू एंड डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स पुंच जनाब कासिम साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हमें जो असाइनमेंट मिली थी कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट आपने करवानी है ऑल एज ग्रुप्स अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19। हमारे दो ब्लाक थे, एक ब्लाक सुरनकोट, एक ब्लाक लसाना। सुरनकोट के ब्लाक के हमने जो वो की थी हाई स्कूल सनेई में, और ब्लाक लसाना की हमने हायर सेकेंडरी स्कूल सेरी ख्वाजा में की। इसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और मोर देन 150 बॉयज़ एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया और अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। और इसमें जो हमारे फिजिकल स्टाफ, फिजिकल मास्टर, फिजिकल टीचर और मेरे बिलखसूस फिजिकल रेबरी खेल जिन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर इवेंट में बढ़ चढ़ कर बच्चों ने अपनी खेल का मुजाहरा किया। हमारे पास दो ब्लॉक के जो सिलेक्टेड प्लेयर आए, इन मेरे साथियों में से कुछ लोग जो जिनकी हमने हर एक इवेंट की कमेटी बना रखी थी, वो इन्होंने अपनी अपनी एक कमेटी की रिपोर्ट दी फाइनल शेप में। वो लसाना ब्लॉक और सुरनकोट ब्लॉक की तरफ से हमारा जब इंटर जोन कंपटीशन होगा पुंछ, इसमें हमारी एक एक टीम जाएगी।